हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास के टॉपिक फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम अदरवाइज जितने भी डिफेंस एग्जाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता इसे रिलेटेड है। तो जो ग्रीक की सभ्यता है उसे जो है समकालीन नहीं था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तृत थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष जो है वह सुरकोटदा से मिले थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों मुद्राओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किया जाता था। तो जो हड़प्पा सभ्यताओं में मुहर बनते थे वह जो बनते थे उस पदार्थ का नाम था सेलखड़ी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वह जो था व्यापार था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वह ईंट से बनाए जाते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी जो थे वह कपास उत्पादन में जो थे सर्वप्रथम थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है यह दयाराम सहनी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता का पतन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था। तो सिंध सभ्यता का जो पतन नगर मतलब बंदरगाह जो था वह लोथल था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो यह जो खोज हुई यह लोथल में हुई कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वह माप तौल में भी जो है परिचित हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पाकालीन समाज जो था वह कैसे कैसे वर्गों में विभक्त था। तो यह जो था पहले विद्वान लोग थे, उसके बाद योद्धा, उसके बाद व्यापारी और उसके बाद श्रमिक। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। हड़प्पाकालीन जो समाज था वह पहला जो था वर्ग था विद्वान था, दूसरा वर्ग में योद्धा आते थे, तीसरे वर्ग में व्यापारी आते थे और चौथे वर्ग में जो थे श्रमिक आते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो था यह हड़प्पा सभ्यता था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था। तो निम्नलिखित में से जो लक्षण है यह है उनके विशाल महल और मस्जिद होते थे। यह गलत है। यह जो है वे देवी और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। यह वाक्य जो है सही है। ये
वे युद्ध और युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, यह वाक्य जो है गलत है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, केवल यह दो नंबर जो है सही है। हड़प्पा वासी जो थे वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, केवल दो जो है उपयुक्त लक्षण में से जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है यह 1921 ईस्वी में की गई थी दयाराम सहनी के द्वारा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो उक्ति सही है वो ऑप्शन सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। यह जो वाक्य है यह हड़प्पा सभ्यता के जो है उक्ति सही है, बाकी जो वाक्य है वो सब गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुराण स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के जो है यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वह त्रिभुजाकार था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची मतलब सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें, तो यह जो दिया हुआ है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो था वह किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, और कालीबंगन जो है घगर नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह घग्गर नदी जो है हरियाणा में केवल एकमात्र नदी है, इसे भी आप याद करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य था यह जो था कालीबंगा से मिला था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो यह जो था सदैव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण जो था यह कालीबंगा से मिला था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है भारत के पंजाबी राज्य में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानगढ़ पाया गया, तो वृहत स्नानगढ़ जो पाया गया था यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के जो मुद्रा थे उस पर जो था केवल आधा शिव मतलब आधे शिव का जो है चित्रण का मूल्य मिलता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो निम्नलिखित में से जो हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में है वह है लोथल, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थान नाम है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है यह जो है मृत्युओं का टीला है। मोहनजोदड़ो को जो है अन्य नाम से भी जाने जाते हैं वो है मृत्युओं का टीला, क्योंकि यहाँ पर जो है कंकाल जो है भारी मात्रा में पाया गया था, इसलिए जो है मोहनजोदड़ो को जो है मृत्युओं के टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित जो नाम है वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णीक हुआ था? तो इसमें जो सर्वाधिक हुआ था वह बैल का हुआ था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह अपने नगर नियोजन के लिए जो है जानी जाती है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान भारत में स्थित है वह लोथल है जो गुजरात में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर जो है
वो हड़प्पा था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले थे यह जो है हड़प्पा संस्कृति से मिले थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वह कथन है लोग लोहे से परिचित थे। यह वाक्य जो है गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो जितने भी औजार मिले थे उसमें जो है लोहे की धातु नहीं मिले थे, तो यह जो के है यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन सूची टू को सम्मिलित कीजिए, तो सूची वन में देखेंगे कि यह दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता का जो उत्तरी सीमा था यह जो था मांडा जम्मू में था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा, तो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी सीमा था वह दैमाबाद था जो महाराष्ट्र में स्थित है। सी है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा था वह आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो है वह थर्ड ही होगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा, यह जो था बलूचिस्तान में था, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, तो इसके याद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा जो था यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पाकालीन स्थल रोपर जो है यह सतलज नदी के किनारे जो था स्थित था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का जो पता चलता है यह धौलावीरा में था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ होता था, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर जो था सामान्य जो था लाल रंग का जो लोग थे उपयोग करते थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से जो है आंध्र ऐतिहासिक काल में पड़ता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले, तो सिंधु सभ्यता में जो थे वह जो था मोहनजोदड़ो में जो है स्थित घरों में जो है कुएं के अवशेष मिले, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन थे, तो जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है सिंधु सभ्यता की खोज में भारत में, तो वह जो है पहले दयाराम साहनी है एवं दूसरा जो है राखालाल दास है बनर्जी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, यह जो थे भारत के दो विद्वान थे जिन्होंने जो सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह कहां स्थित है, तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी यह जो स्थित है वह सौराष्ट्र में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के जो खुदाई के प्रभारी थे वह जो थे यह सर जॉन मार्शल थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो वह जो था जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर पर जो जिस पशु का चित्र मिला था वह जो था बैल का मिला था, जिसे पता था कि लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के लोग जो थे व्यापारिक संबंध रखते थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है वह मातृशक्ति में जो है विश्वास करते थे, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंध स्थल समुद्र तट पर नहीं
नहीं था, तो निम्नलिखित में से जो सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं था वह जो था कोटदीजी था, जो सिंधी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। बाकी जो यह तीनों है, सुरकोटदा, लोथल, वालकोटदा है, यह जो था सिंधु स्थल समुद्र पर स्थित था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो निम्नलिखित में से जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वह विशाल स्नानागार था, जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए जो था यह ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन सूची टू के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुन लीजिए। पहला है लोथल, तो लोथल जो सही उसका होगा वह क्या होगा? तो लोथल जो है गोदावरी होगा। सेकंड है कालीबंगन, तो कालीबंगन का जो होगा जूता हुआ खेत मिला था कालीबंगन से। थर्ड है धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है वह हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का एक बिलालेख मिला था धौलावीरा से। लास्ट है बनवाली, तो बनवाली जो है वह पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिला था। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट का दो से बी का वन, सी का डी फोर और डी का थ्री। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरुक्त अंकित नहीं हुआ था? तो वह जो मतलब पशु का नाम बताना है जिस पर जो हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों पर टेराकोटा आकृतियों के निरूपण अंकित नहीं हुआ था, तो वह जो था शेर था, जिसका जो है हड़प्पा सभ्यता के किसी भी मुहरों पर इसका अंकित नहीं किया गया था। बाकी हाथी का किया गया था, गेंडा का किया गया था, बाघ का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे वह लोहा धातु से परिचित नहीं थे, बाकी जो था उससे परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगिल स्वाधान मतलब द्विस संस्कार का प्रमाण मिला था? तो द्विस संस्कार का जो प्रमाण मिला था तो वह जो था लोथल से मिला था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक का यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो जो सिंधु सभ्यता क्षेत्र में जो सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हुआ तो उसे ग्रीक के यूनान के लोगों ने सर्वप्रथम उसे जो है सिंड के नाम से पुकारा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ जो है यह दैमावाद से प्राप्त हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? देना है उत्तर में, पहला है चांदी, दूसरा है टीन और तीसरा है सोना। तो हड़प्पावासी जो थे वह केवल तीनों चीज़ों का जो है, तीनों धातु का जो है आयात करते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1, 2, 3 जो है चांदी टीन सोना, तीनों धातु का जो है आयात करते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लादवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण का जो सामग्री का आयात जो है हिंद कुश क्षेत्र के बदखशा से करते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वह ए एवं बी दोनों है, मुंडीकाक और सुतगोई दोनों जो है अफगानिस्तान स्थित सिंध सभ्यता के संबंधित जो स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता के जो नगर बंदरगाह थे, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के प्राप्त पशुओं शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का आंकलन मिला? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनमें सभी वहाँ जो है हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरण जो है सभी का अवशेष मिला, इसलिए जो है इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मृदा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो नृत्य मृदा वाली मतलब नृत्य करती वाली स्त्री का जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है, यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पाकालीन स्थल से जहाँ पुजारी की स्थल मूर्ति प्राप्त हुआ है, यह जो है मोहनजोदड़ो है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों का निशान मिला है? तो एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के जो पंजों का निशान मिला है, यह जो है चंद्रवाहो से मिला है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोच से मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य से है? तो यह जो मिला है यह लोथल से मिला है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जो है लोहा धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो जो पशु है जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष नहीं प्राप्त हुई है, वह शेर है। शेर की अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्राहो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चंद्राहो का उत्खनन का जो निर्देशन किया था वह जो थे जे एच मैक ने किया था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगोड़ा जो है निम्नलिखित में से जो है एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो यह जो है भारतीय इतिहास के टॉपिक फर्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप महत्वपूर्ण 76 क्वेश्चन थे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।